बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइम राजा और आप देख रहे हैं साइम राजा ब्लॉग्स। जैसे कि जानते हैं आप, 10 मई है आज और आज है मदर डे है, और मैं तमाम जितने भी दुनिया में माएँ हैं सबको हैप्पी मदर डे विश करना चाहूँगा। और मेरी तरफ से तो यही है कि आज मेरी मदर का के लिए स्पेशल डे है, मैं उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लूँगा यहाँ से। तो आप जो है देखिएगा ज़रूर पूरी वीडियो हमारी, और उसके साथ साथ एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि माँ का जो रिश्ता होता है वो कभी भी दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास है तो आप उसकी केयर करें माँ की, और जो है उनकी जो भी ज़रूरियात है, इतनी बड़ी ज़रूरियात नहीं होती, आप उनसे थोड़ा सा प्यार करेंगे, हंस के बात कर लेंगे तो वही काफ़ी होगा उनके लिए। उनको कोई आपसे पैसा नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपनी मदर्स का की बहुत ज़्यादा केयर किया करें, और जिनकी मदर्स नहीं होती वो उनको उनसे जाके आप पूछेंगे क्या चीज़ होती है माँ। तो जिनकी मदर्स नहीं है उनसे मैं जो है उनके साल की गम में शरीक हूँ, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी माँ को जन्नत में जगह अता फरमाए, और जो है हमारी जितनी भी मदर्स हैं पूरी दुनिया में उन सब की माँओं को लंबी उम्र अता फरमाए। और आइए चलते हैं, कुछ देखते हैं अपनी मदर के लिए। तो गाइज अभी मैं आया था F10 फ्लावर मार्केट में, F10 मल्टस के सामने जो फ्लावर मार्केट बनी है वहाँ पे, वहाँ से मैंने अपनी मदर के लिए बुके लिए है फ्लावर्स का, फ्रेश फ्लावर्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है ये। तो इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, और आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट हम क्या लेंगे। चलिए हमारे साथ। Thank you.
गाइस आज बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई है। G9, G10 और F10 में केक ढूंढने के बाद हमें कहीं भी केक नहीं मिला, और उसके बाद हम जब G11 बेकमैन पे गए तो वहाँ पे केक अवेलेबल था ड्यू टू लॉकडाउन, और उसके अलावा आज मदर्स डे था, इस वजह से ज़्यादातर जो है ख़त्म था केक, और उसके अलावा बेकरीज भी बंद थी, तो बेकमैन खुली हुई थी और वहाँ से हमें केक मिला। तो अभी केक लेके हम घर जाने लगे, तो कीप वॉचिंग अस। गाइस आज मुझे बहुत थकावट होगी, आपने देखा ही वीडियो के अंदर कि मैं किधर किधर गया, तकरीबन ज़्यादा इस्लामाबाद के सेक्टर्स में मैं घूमता रहा सारी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए। ये मेरे बड़े भाई हैं अली भाई, और जो है ये तो ऑफिस में थे, इस वजह से ये टाइम नहीं दे सके मेरे साथ, आगे पीछे जा नहीं सके। तो जो है हमारी वालदा काफ़ी खुश थी, तो ये मेरे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है, और आज ये जैसे हमने अपनी मदर के लिए बहुत कुछ किया है, मदर्स डे था तो जिसकी वजह से छोटे भाई ने सब कुछ किया, मैं तो ऑफिस में बैठा हुआ था। नहीं, हम दोनों ने मिलकर ही किया। लेकिन जो है आप लोग भी किया करें इस तरह, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो माँ बाप को इंसान ने देनी होती हैं, क्योंकि बचपन से जब वो आपको पालते हैं इतना बड़ा करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं, और आपकी कुर्बानी सिर्फ यही है कि आप अपना वक्त उनको दें या उनके लिए कुछ करें। तो जैसे बड़े कहते हैं कि माँ बाप के बारे में इंसान जो कुछ करता है वो ऐसी किताब लिखता है कि जो लिखता तो वो खुद है, लेकिन बुढ़ापे में जब वो इस टाइम पे आता है तो उसकी औलाद उसको वो किताब पढ़ के सुनाती है। तो अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आपके साथ भी गलत आपकी औलाद अच्छा सलूक करेगी, तो इसलिए अपने माँ बाप का ख्याल रखें। क्योंकि हमारे जो भी है पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ वालदैन ही होते हैं जो दोबारा वापस आपको नहीं मिलते, अगर वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर आपको एक अफसोस ही रहेगा कि काश हम अपने वालदैन को टाइम देते, उनके पास बैठते, लेकिन उस टाइम इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता। अगर आप उस टाइम से बचना चाहते हैं तो अपने वालदैन को इतना प्यार दें, इतनी खुशियाँ दें कि वो आपके साथ खुश बाश रहें, उनके लिए दुआ किया करें कि उनको अल्लाह पाक लंबी उम्र दें। तो बाकी आज ये वीडियो बनाने का ऐसा मेरा कोई भी नहीं था कि ये वीडियो शो करवाने के लिए कि हम कोई मतलब अपनी मदर को गिफ्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, ये आपको शो कराना चाहते हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने वालदैन का ख्याल रखें, ये अवेयरनेस पैदा होती है ऐसी वीडियोज़ देखने से। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। Thank you for watching us and Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Negiban. Allah Negiban.